और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, मंगलवार को चार्ज संभाल सकते हैं ओपी सिंह। आपको बता दें कि डीजीपी के पद के लिए उनका नाम तय हो चुका है और मंगलवार को चार्ज संभालेंगे ओपी सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर है, डीओपीटी ने कैडर वापसी की मंजूरी दे दी है। वहीं पिछले 21 दिन से ये डीजीपी का पद खाली था। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बात की जा रही थी, आपको बता दें 30 दिसंबर 2017 को इनका नाम फाइनल हुआ था और उसके बाद से ये था कि 3 जनवरी से ही अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन सीआईएसएफ के पद पर ये तैनात थे, जिसके बाद अभी तक ये पद खाली पड़ा हुआ था। आपको बता दें, इससे पहले डीजीपी सुलखान सिंह के जाने के बाद से ओपी सिंह के ज्वाइनिंग की बात की जा रही थी और उसी को लेकर अब मंगलवार को आपको बता दें कि चार्ज संभालेंगे ओपी सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर है, डीओपीटी ने कैडर वापसी की मंजूरी दे दी है। पिछले 21 दिन से डीजीपी का पद खाली पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवा, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अपडेट मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, अब बात सूत्रों की नहीं रह गई, अब पुष्ट हो चुका है। डीओपीटी का लेटर भी आ चुका है, नेशनल वाइज वो लेटर भी दिखा रहा है जो एक्सक्लूसिवली नेशनल वाइज के पास है, जिसमें डीओपीटी की तरफ से उनको कैडर वापसी में के लिए मंजूरी दे दी गई है। वो चिट्ठी भी नेशनल वाइज के पास है और अब इससे उनके जो वापसी का रास्ता था वो साफ हो गया है। नाम तो उनका राज्य सरकार से भेजा गया था ओपी सिंह का डीजीपी के लिए और उसके बाद से कागजी कार्रवाई में काफी देर लगी, लेकिन डीओपीटी की क्लियरेंस मिलने के बाद अब उनके वापसी का रास्ता तय हो गया है। और इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि अब जो उत्तर प्रदेश को अपना नया डीजीपी मिल जाएगा ओपी सिंह के रूप में, और जिस तरीके से अभी सीआईएसएफ से उनकी रिलीविंग बाकी है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि मंगलवार तक वो लखनऊ पहुंच जाएंगे और अपना चार्ज संभाल लेंगे। जी, तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिछले 21 दिन से डीजीपी का पद खाली पड़ा हुआ था, कई ऐसे काम है जिन्हें भी अभी करना है, तो ऐसे में आगे की कार्यप्रणाली किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अब लगभग सारी कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि क्लियरेंस मिलने के बाद अब एक फेयरवेल जैसा कार्यक्रम ही रह जाता है जो उनके विभाग के लोग उनको सोमवार को देंगे। उसके बाद वो मंगलवार को लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ में अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।